सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो मेरी इस वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं यार अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम बात करेंगे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के 33 मैच की, जो कि इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेला गया। तो श्रीलंका इस मैच का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। तो इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन रोहित शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद शुभमन गिल एक बहुत ही शानदार इनिंग्स खेलते हैं और 92 रन स्कोर करते हैं, जबकि विराट कोहली भी इनका भरपूर साथ देते हैं और 88 रन स्कोर करते हैं। और दोनों ही प्लेयर आउट होने के बाद इंडियन टीम 357 रन का टोटल बना लेती है 8 विकेटों के नुकसान पर पूरे 50 ओवर्स में। तो श्रीलंका की तरफ से दिलशन मदिशंका 5 विकेट हासिल करते हैं। तो इसके साथ ही इंडिया के बॉलर्स बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं और इनके जसप्रीत बुमराह पहली गेंद पर श्रीलंका के पहले बैट्समैन को आउट कर देते हैं। और इसके साथ ही मोहम्मद सिराज बहुत ही कमाल की बॉलिंग करके 3 विकेट हासिल करते हैं। और इसके साथ ही मोहम्मद शामी भी बहुत ही कमाल की बॉलिंग करते हैं और 5 विकेट हासिल करते हैं। तो इस तरह इंडिया के बॉलर श्रीलंका के बैट्समैन को खेलने ही नहीं देते और श्रीलंका की टीम सिर्फ और सिर्फ 55 रन पर ऑल आउट हो जाती है। तो इस तरह इंडिया ये मैच बहुत ही बड़े मार्जिन से 302 रन से जीत जाता है। तो अगर हम बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की, तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है मोहम्मद शामी को, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं और 5 विकेट हासिल करते हैं। तो इसके साथ ही अब हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।